नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। भारत सरकार के चलाए जा रहे स्वच्छता और सफाई अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन के तहत सीआरपीएफ 172 बटालियन गढ़वा झारखंड के कमांडेंट श्री सत्येंद्र नाथ मिश्रा के नेतृत्व में आज सफाई अभियान का क्षेत्र है वन प्रमंडल ऑफिस गढ़वा कचहरी से लेकर हॉस्पिटल गढ़वा तक। इस दौरान सीआरपीएफ के ऑफिसर जवानों में सड़क के दोनों तरफ बने गड्ढे, नाले और फालतू पेड़ पौधों को कटाई छटाई करते हुए साफ सफाई करते हुए सभी कचरे को अपने वाहन के द्वारा सुरक्षित जगह पर फेंका गया और लोगों को स्वच्छता एवं सफाई के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान सीआरपीएफ कमांडेंट श्री सत्येंद्र नाथ मिश्रा ने बताया कि साफ एवं स्वच्छता की शिक्षा अपने घर से ही मिलती है। जिस तरह हम अपने घर को साफ एवं स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह हम अपने कार्यालय या हम जहां भी जो काम करते हैं उसको भी स्वच्छ एवं साफ रखें। इससे मनुष्य को शुद्ध वातावरण मिलता है और बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ना तो गंदगी करेंगे और ना ही दूसरे को गंदगी फैलाने देंगे, तभी स्वच्छ भारत का निर्माण हो पाएगा। इस दौरान सभी सीआरपीएफ जवानों ने स्वच्छता और सफाई के प्रति संकल्प भी लिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया। इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट सवेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर दीपक सिंह, राहुल सिंह, पंकज चौबे, राजश्री वर्मा, महेश कुमार, मान सिंह तथा अन्य ऑफिसर और सैकड़ों जवान हम शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। यह सफाई अभियान और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गांधी जी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर 2018 तक कंटिन्यू शहर के विभिन्न इलाकों में चलता रहेगा। अतः अब सभी लोग इस सफाई अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने गढ़वा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में हमारी मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद।